दोस्तों आज के इस वीडियो में ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से बिना ओटीपी के कॉल हिस्ट्री निकाल सकते हो किसी की भी। आप बहुत ही आसानी से अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर अपने दोस्तों की 1 साल की कॉल डिटेल निकाल सकते हो, वो भी 1 क्लिक में। अगर दोस्तों आप भी जानना चाहते हो इस ट्रिक के बारे में तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। दोस्तों मेरा नाम महेंद्र, आप देख रहे हो टेक महेंद्र यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो दोस्तों बिना बकवाद के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये दोस्तों एप्लीकेशन मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। इस पर मैंने क्लिक कर लिया है, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। पर मैंने क्लिक कर लिया, क्लिक होने के बाद में यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखा दे होंगे। यहाँ पे लिखा क्लिक टू कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक लेने पर मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक होने के बाद में यहाँ पर भी आपको बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखा दे होंगे। यहाँ पर लिखा जनरल कार लोगो, इस पर आपको क्लिक लेने पर मैंने क्लिक कर लिया है। यहाँ से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से आप 1 साल की आप कॉल डिटेल निकाल सकते हो। यहाँ से आप अपने हिसाब से आप सेटअप कर लीजिए आप कितने दिनों की आप डिटेल निकालना चाहते हो। दोस्तों यहाँ से आप कॉल लॉग डिटेल निकाल सकते हो, ओनली डायल कॉल निकाल सकते हो, ओनली रिसीव कॉल निकाल सकते हो, ओनली मिस कॉल निकाल सकते हो। दोस्तों आप कौन सी निकालना चाहते हो उस पर क्लिक कर लीजिए। दोस्तों मैं कॉल लॉग डिटेल पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक होने के बाद में यहाँ पे लिखा एंटर फाइल नेम, फाइल नेम पे मैं दोस्तों माई टाइप कर लेता हूँ, मैंने माई टाइप कर लिया है। टाइप होने के बाद में यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट टू PDF, इस पर आपको क्लिक कर लेना। क्लिक होने के बाद में अलाउ पे क्लिक करके आप सारी परमिशन आप अलाउ कर दीजिए। मैंने सारी परमिशन यहाँ पर अलाउ कर दी है। यहाँ पर देख लीजिए नीचे लिखा हो सक्सेसफुली, यहाँ पर फाइल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको अपना मोबाइल का फाइल मैनेजर ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैंने फाइल मैनेजर ओपन कर लिया। फाइल मैनेजर में आपको E2PDF वाला फोल्डर ढूंढना है। यहाँ पर देख लीजिए E2PDF वाला फोल्डर यहाँ पर आ चुका है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया, यहाँ पर देख लीजिए जो फोल्डर मैंने क्रिएट किया था यहाँ पर आ चुका माई PDF। दोस्तों अब इसमें मैं क्लिक कर लेता, मैंने क्लिक कर लिया। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों आपको बहुत सारे आपको कॉल डिटेल दिखा दे रही होगी। ऐसे दोस्तों बहुत ही आसानी से इसे एप्लीकेशन की मदद से आप किसी की भी कॉल डिटेल निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। आप अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या अपने दोस्तों की आप कॉल हिस्ट्री निकाल सकते हो। आप दोस्तों जान लेते हैं इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको अपना मोबाइल का गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। गूगल प्ले स्टोर में आपको टाइप करना E2PDF, लिख के आपको टाइप कर देना। दोस्तों एप्लीकेशन आ चुकी है, इसका आप लोगों को देख लीजिए। इसको मैंने पहले डाउनलोड कर लिया था। डाउनलोड करने के बाद में ऐसा आप इसे ओपन कर लीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों किसी प्रकार के वीडियो देखना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।